पीने के पानी के विवाद को लेकर संघर्ष समिति और प्रभावित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन 27वें दिन में प्रवेश किया है। लगातार यहां पर प्रभावित पंचायतों के जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें अधिक से अधिक संख्या में आकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। 13 तारीख की घटना के बाद मैंने 14 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को 2 दिन लगातार उठाया, परंतु सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण हमने दोनों बार बहिष्कार किया, बायकॉट किया और हमारे सभी विधायकों ने ये जता दिया कि किसी एक विधायक के साथ भी अगर अन्याय होगा तो पूरा भाजपा विधायक दल उनके साथ खड़ा रहेगा। उसके बाद संघर्ष समिति के सदस्यों और प्रभावित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, जिला परिषद के सदस्य, बीडीसी के सदस्य सबसे मिलकर हमने तय किया है कि यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में भी जाएंगे, क्योंकि अब रिपोर्ट आ गई है, इसलिए उस रिपोर्ट को कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और यहां आंदोलन को भी जारी रखेंगे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी पंचायतों के प्रधानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलाएंगे, जिसमें सभी पंचायतों के प्रधान प्रस्ताव जो है वो देंगे कि भाई ये पानी यहाँ से नहीं उठना चाहिए। इस तरह इस आंदोलन को लगातार जारी रखा जाएगा और मैं आज इस सरकार को, विशेषकर जो हमारी इस सरकार में सुपर सीएम है, उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस स्कीम को तुरंत रद्द किया जाए, कहीं काम शुरू करने की दोबारा गलती ना करें, अन्यथा जो ट्रेलर 13 फरवरी को देखा है वो फिर पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। ये चेतावनी आज इस अलीखड़ के पवित्र स्थान त्रिवेणी घाट से मैं उनको देना चाहता हूँ और एक बार फिर उन आंदोलनकारियों को, उन संघर्षरत बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों को बहुत बहुत बधाई और उनका बहुत बहुत धन्यवाद।